हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेत्रवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और आज दोस्तों एक ऐसी नौकरी का बुलावा आया है जो सिर्फ दो घंटे के एग्जाम में आपको आरएस के टक्कर का अधिकारी बना देगा। ईओ आर भर्ती जो है, बहुत बच्चों ने मेहनत करी थी, हमने भी करवाई थी, नगर पालिका अधिनियम भी याद करवाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने गुस्ताखी करी, पेपर आउट हुआ। लगातार मांग थी कि रद्द होना चाहिए, रद्द हुआ आखिरकार। हालांकि कहते हैं कि देरी से हुआ न्याय भी अन्याय होता है, लेकिन देर सवेर की सही, जिसके भाग्य में पुण्य लिखा होता है वही रद्द करता है। ईओआरओ भर्ती जो है दोस्तों, वो रद्द कर दी गई है। री एग्जाम डेट भी उसका आ गया है 23 मार्च का। लगभग 4 महीने हम मान के चलते हैं दोस्तों, कितने 4 महीने। और आपको एक गजब की बात बता दूं, मैं सारी दुनिया पढ़ाती है, मैं याद ही करवाता हूं। जीके तो पहले से करवा रहा था, EORO नगर पालिका अधिनियम भी मैं पूरा का पूरा याद ही करवा रहा हूं। और इसमें है ही क्या, सिर्फ जीके और नगर पालिका अधिनियम है। इसका मतलब पूरा का पूरा 100% सिलेबस आपका अपना एग्जाम एम्पायर याद ही करवाएगा। तो बस इसलिए कर रहा हूं कि 4 महीने में सीधा नौकरी पाने का ही सुनहरा अवसर है। जिसने फॉर्म भरा था चूकना मत, ठीक है। देखिएगा, मैं कब से नगर पालिका अधिनियम याद करवा रहा हूं वो भी तारीख बताने जा रहा हूं दोस्तों। ईओआरओ भर्ती जिसने भी फॉर्म लगाया उसी का री एग्जाम होगा, नए फॉर्म ओपन नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखें। और आरपीएससी ने इतना ध्यान रखा है कि पहले आरएस का एग्जाम होगा, तो जीके तो हम सारा पढ़ ही लेंगे, और उसके बाद इसका री एग्जाम शेड्यूल किया है, तो नगर पालिका अधिनियम उसके बाद निपटा लेंगे, लेकिन हम पहले ही निपटाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का प्रेस नोट 25 तारीख का दोस्तों, आयोग द्वारा 14/5 को दो भर्ती हुई थी, ये वाली, ठीक है, 14/5 को जो भर्ती हुई थी को आयोजित की गई राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकेंड और अधिशासी अभियंता वर्ग फोर्थ परीक्षा 2022 स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निरस्त कर दी गई है। उक्त परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 23 मार्च 2025 को चटमंगली पट ब्याह इसका होने जा रहा है। साथ ही दिनांक 23/3/2025 को कोई एक परीक्षा आयोजित थी पहले से कैलेंडर में, तो वो वाली जनसंपर्क अधिकारी की अब वो आयोजन होगी 17 मई को। इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, जो अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर है ना, वो भी रिट भर्ती आती पात्रता होती बदल जाएगा, क्योंकि देख लो अभी ईआरओ का एग्जाम घुसा दिया जनसंपर्क अधिकारी की तरह, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात थी, समझ आ गया, री फॉर्म ओपन नहीं होंगे, जो बच्चे फॉर्म भर चुके थे उन्हीं का एग्जाम होना है पूरा का पूरा। अब इसके सिलेबस में क्या है दोस्तों, 120 नंबर का टोटल है, जिसमें से 80 नंबर का जीके है, जो जीके में क्या है दोस्तों, राजस्थान का जीके है, राजस्थान का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और इंडिया का पॉलिटी है। 8 शहरी योजनाएं हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स है। तो ये है दोस्तों, इंडिया का सिर्फ पॉलिटी है, इंडिया का पॉलिटी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है, राजस्थान का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा है, पूरा का पूरा मैं याद ही करवा रहा हूं, ठीक है। जो ऑलरेडी किसी जीके याद गारंटी बेच में है उसको जीके के लिए तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पार्ट बी भी इसमें 120 में से एससी का है, पार्ट बी 40 नंबर जिसमें नगर पालिका एक्ट आएगा वो दोस्तों 40 नंबर का है। नगर पालिका तीन एक्ट, एक तो नगर पालिका अधिनियम बड़ा है, फिर दो छोटे छोटे एक्ट और है, वो तीनों के तीनों मैं याद ही कराऊंगा 40 के 40 मार्क्स। लास्ट टाइम भी बच्चों को दिलाए थे, ऐसे बच्चे थे जिनको 110 109 105 नंबर आ रहे थे, लेकिन संयोग से 2-3 बच्चों का हुआ भी मेहनत से, लेकिन अब रद्द हो गई, उनका क्या कसूर है, ठीक है। तो देखा, और इसका कट ऑफ कितना गया था, 120 में से 111, ये कोई कट ऑफ जाता है तो पेपर आउट हुआ था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब की बार 120 मतलब 111 पेपर आउट होने के बावजूद 111 गया था, हम इसमें 15-20 नंबर और कम कर ले क्या, मान के चलते 100 नंबर वाला पेपर इजी था, उसके बावजूद 111 गया है। अगर वैसा ही पेपर बना टफ बना तो दोस्तों 80-90 पे कट ऑफ रुक जाएगी इसकी, है ना, 100 मान लेते हैं, और पूरा का पूरा मैं याद ही करवा रहा हूं, पूरा का पूरा पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम 1-1 धारा को मैं याद ही करवाऊंगा। और कब से करवा रहा हूं दोस्तों, वो तारीख है 3 नवंबर दोस्तों, 3 नवंबर दिवाली के जस्ट बाद तुम वापस आओगे, हम पार्ट बी याद कराना शुरू कर देंगे, और पशु परिचर के पार्ट जो बी के जो बचे हुए टॉपिक है वो भी डाल देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये कोर्स अपना जीके याद गारंटी बेच आरपीसी ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2024 री एग्जाम के लिए, उससे पहले जिसको पता नहीं उसको बता दूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं, है ना, पता है ना भाई, पुराने बच्चों को तो पता है,
मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। देखिएगा, ये प्राचीन समय में आरपीसी एएसओ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा पेपर हमने छपवाया है। बाकी दुनिया इजी पर्सन की स्क्रीनशॉट डालेगी। हम मुश्किल सवालों के याद कराने वाले वीडियो प्रूफ डालते हैं। यकीन नहीं होता तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, टेलीग्राम का भी और अपने ऐप का भी। ठीक है, तो दोस्तों ये है। अब आरपीएससी एआरओ दो दोस्तों यूआरओ री एग्जाम गारंटी बेच पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही में याद करवा रहे हैं। दोनों का ही कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग ऑफर होता है जो सबसे कम मूल्य होता है, ये बात आपको पता है। तो अब सबसे कम मूल्य पहले 500 बच्चों के लिए है, जाइएगा और ज्वाइन करना। फिर कराओ, बाकी कोर्सेज पे ऑफर नहीं है, दिवाली ऑफर बाद में आएगा। ईओआरओ पे लॉन्चिंग ऑफर है जो लागू हो गया है, पहले 500 बच्चों के लिए। ये पार्ट ए और पार्ट बी जो है दोस्तों, ये लॉन्चिंग ऑफर मैं आपके लिए रख रहा हूं। दोनों मिला करके ही कितना, 1399 का, सिर्फ 1399 का, जीके और पार्ट बी दोनों ही मिला करके। और साथ में पार्ट बी का टेस्ट सीरीज फ्री, 20 टेस्ट डाल दिए गए। ठीक है, इसके बाद अगर किसी ने जीके याद गारंटी बेच ऑलरेडी ले रखा है तो उसको सिर्फ पार्ट भी लेना है, तो सिर्फ पार्ट भी नगर पालिका अधिनियम याद करवा रहा हूं। ये मेरे पुराने बच्चों के लिए, क्योंकि जीके याद गारंटी बेच में अगर कोई ऑलरेडी है तो मेरा अपना है, वो पुराना है, तो उसके लिए सिर्फ 499 रुपए पार्ट बी के लिए रखे हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज भी दी है जो 199 की, तो टेस्ट सीरीज अलग से लो तो अलग से, टेस्ट सीरीज है 199 की तो ये अलग से भी है। इसमें पार्ट बी और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 499 में है। लेकिन ध्यान रखना, पहले 500 बच्चों के लिए लॉन्चिंग ऑफर है, जाइएगा और मजे से देखना शुरू कर दीजिएगा। पार्ट बी हम याद करना शुरू करेंगे, पार्ट ए लगभग लगभग पूरा होने जा रहा है, ज्वाइन करके देखना शुरू कर दीजिएगा। वो आपके आरएस में भी काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड रीड सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, क्योंकि मुश्किल पूछे, इजी पूछे, टफ क्वेश्चन पूछे, कैसा भी पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, एग्जाम एम्पायर वालों का निकल जाता है, क्योंकि सीधा याद ही करवाया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। जीके लगभग हो चुका है, 4 महीने है, मोर देन सफिशियंट है, लगभग अपनी ज्यादा क्लास नहीं है, 225 क्लास हो चुकी है। जीके के लिए 40-50 क्लास और आएगी, 300 क्लास के अंडर समेट देंगे। 300 क्लास लगभग 200 घंटे की क्लास है, 200 घंटे डेली, 2 घंटे भी देखोगे तो 100 दिन में निपटा दोगे जीके को, है ना, अगर डेली 2 घंटे भी देखोगे तो। और ये नगर पालिका अधिनियम की तो हम कितनी 30-40 क्लास देंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें सारा का सारा याद ही होगा, एक एक धारा याद होगा। और ऐसी तैयारी करके जाना, मतलब निकट भविष्य में पशु परिचर के बाद, पशु परिचर तो क्या है, छोटी नौकरी है, ये राजा नौकरी है जो आपको सिर्फ 6 महीने में, और ध्यान रखना ईओआरओ का तुरंत रिजल्ट आया था अभी भी, और फिर से तुरंत आना है, मतलब आपको 6 महीने में, 7 महीने में अगर कोई ज्वाइनिंग करवा सकता है तो वो ये नौकरी है। दिलो जान से लग जाना, ठीक है। बाकी आरएस का तो तुम कर ही रहे हो, आरएस के साथ साथ इसका भी जीके लगभग सेम ही रहना है, इवन आरएस में ज्यादा जीके, इसमें कम है तो, है ना। और पार्ट बी का गियर बदल लेना है अपने को नगर पालिका अधिनियम आरएस के बाद, जो आरएस की कर रहे हैं उनके लिए, तो बाकी तो पहले ही कर लेना, और हम नवंबर में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है, पहले 500 बच्चों के लिए है, तो जाके देख के ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना दोस्तों। ठीक है, अपना एग्जाम एम्पायर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, अपना हेल्पलाइन नंबर है 9256-5542-40, 9256-5542-40, उस पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम है अपना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज शाम को नेक्स्ट क्लास आएगी। रिको के जितने भी पार्क है, कितने पार्क हो सकते हैं, 40-50, सारे के सारे आज शाम को याद करूंगा। ठीक है, सारे के सारे आज शाम को याद करवाऊंगा। ठीक है, तो बाय।